Very good morning, class first. Now continue our chapter number 3, A Happy Child. Okay, so complete your exercise. आपके exercise third, second complete हो गई. आपके जो first exercise है, read the following stanza carefully and answer the question that follow. हमने और भी chapters के exercise या stanza किए हैं, तो हम इस chapter number 3 है आपका, इसका भी stanza देख लेते हैं क्या है इसमें. तो आपके जो एक्सरसाइज है इसमें ओनली टिक द करेक्ट ऑप्शन ही थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. आगे हम इसका स्टैंजा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फिर आपका ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 इज अ हैप्पी चाइल्ड. अ हैप्पी चाइल्ड. अ हैप्पी चाइल्ड मतलब एक खुश बच्चा. हैप्पी चाइल्ड मीन्स एक खुश बच्चा. तो इसका स्टैंजा हम देख लेते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज है अपना, आपका स्टैंजा. आई हैव अ ट्री. I have a tree, green tree. A green tree. I have a tree, a green tree to shade me from the sun. To shade me from the sun. Come. Next is and under it I often sit. And last line is when all my play is done. Okay, so first question is, एक बार read कर लेते हैं stanza. आपका stanza क्या है? 4 lines का stanza है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोयम में से अगर कोई आपको पैराग्राफ दिया होता है तो उसे बोलते हैं हम स्टैंजा बोलते हैं. और कोई स्टोरी में से दी देते हैं तो वो तो क्या होता है, पैसेज होता है. पोयम में से कोई आपको 4 लाइंस देकर स्टैंजा देकर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो होता है स्टैंजा. तो ये क्या है, आपका स्टैंजा है, क्योंकि ये क्या है, पोयम है. तो स्टार्ट करते हैं. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री. उसके पास कैसा ट्री है, बच्चे के पास, चाइल्ड के पास ग्रीन ट्री है. टू शेड मी फ्रॉम द सन. वो जो जब सन आता है, सूरज की रोशनी आती है, तो वो उसकी छाया में बैठ जाता है. एंड अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माय प्ले इज डन. जब मेरा गेम खत्म हो जाता है तो जब मैं थक जाता हूँ तो मैं कहाँ बैठ जाता हूँ, उस पेड़ की छाया में बैठ जाता हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज which tree does the child has which tree does the child has. कौन सा ट्री है चाइल्ड के पास, ग्रीन ट्री है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन ट्री. Second question is, the child sits the tree. बच्चा है, वो कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, किसके नीचे बैठा है. तो नीचे बैठने को क्या बोलते हैं, under. The child sits under the tree. कहाँ बैठा है, वो ट्री के नीचे बैठा है. तो अंडर को क्या बोलते हैं हम, नीचे.
थर्ड क्वेश्चन, द ट्री गिव्स शेड, द ट्री गिव शेड टू द चाइल्ड फ्रॉम द सन. जो ट्री उसको क्या देता है, जो शेड देता है, छाया देता है, जब सन आ जाता है तो वो उसमें आराम करता है ना, उसके अंदर बैठ जाता है, उसके शेड मतलब छाया में बैठता है. द ट्री गिव शेड, ट्री क्या देता है उसको, छाया देता है टू द चाइल्ड, चाइल्ड को जब सन आता है, जब ट्री को क्या देता है, छाया देता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू, यानी वो आंसर क्या है हमारा, सही है. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द चाइल्ड हाउस, देयर इन द चाइल्ड हाउस. आंसर इज हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द चाइल्ड हाउस, मतलब कितने ट्रीज है उसके, कितने ट्रीज थे, वन टू या थ्री, कितने ट्रीज थे, ओनली वन, वन ट्री, तो आंसर हो गया हमारा वन. क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा that rhymes rhymes with sun, with sun. आपका जो sun है, okay, जो sun है उसका आपको राइम से रिलेटेड, मतलब उसका राइम्स का वर्ड क्या होगा वो आपको यहाँ नोट डाउन करना है. राइट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा द राइम्स विद द सन, मतलब उसका सिमिलर, मतलब उसके साउंड करता हुआ सन कौन सा वर्ड कौन सा होगा. आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, इसमें नहीं है, टू शेड मी फ्रॉम द सन एंड अंडर इट आई ऑफन सेट वैन ऑल My play is done. तो कौन सा होगा, सन का क्या हो जाएगा, प्राइम्स वाला, डन, डी ओ एन ई, डन. ओके, तो इसका ये आंसर हो गया. तो आपका ये कंप्लीट हो गया है. फर्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, कंप्लीट कर लिया ना मैंने स्टैंजा. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्री डज द चाइल्ड हैज, ग्रीन ट्री. विच ट्री हैज डज द चाइल्ड हैज, ग्रीन ट्री. The child sits under the tree. The child sits under the tree. The tree gives shade to the child from the sun. True. Next, how many trees are there in the child's house? One tree. Only कितने trees थे? One. Write the word from the stanza that rhymes the sun with sun. Answer is done. तो उसका rhymes वाला word कौन सा होगा? Done. So complete your chapter number 3. Okay students, today we will start a new chapter, chapter number 4. Thank you, bye bye.